दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंफोसिस के बारे में। इंफोसिस की तरफ से एक बड़ी अपडेट्स यहां पर निकल कर आ रही है, साथ ही साथ इंफोसिस का शेयर्स अब आपको एक कंसोलिडेशन फिगर में ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि आज के दिन भी हमें इंफोसिस के अंदर कोई बड़े मूवमेंट देखने को नहीं मिले, बल्कि 12 पॉइंट की गिरावट ही इस शेयर के अंदर देखने को मिली। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, इंफोसिस के अंदर जो मैक्सिमम यहाँ पर बायबैक प्राइस रखी गई है 1750 रुपये की, अभी आपको करंट मार्केट प्राइस 1750 रुपये की मे भी पॉसिबल यहाँ पर नहीं है कि इससे ज़्यादा आपको देखने को मिले। तो यदि आपने इंफोसिस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको इस गिरावट से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलिए दोस्तों, क्या अपडेट्स इंफोसिस की तरफ से निकल कर आई है उसे भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हालांकि इंफोसिस के अंदर डेली बेसिस पर जो वॉल्यूम बेस्ड काम है वो तो शानदार हमें देखने को मिल ही रहा है, लेकिन ऑर्डर बुक के अंदर भी काफ़ी शानदार फ्रेश बाइंग हमें यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रही है। इंफोसिस के अंदर आज के दिन भी हमें बायबैक देखने को मिला, लगभग 1,519,000 शेयरों का बायबैक आज भी कंपनी ने किया है। और जैसा कि आपको पता है कि ये बायबैक दिसंबर मंथ तक यहाँ पर चलने वाला है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंफोसिस के अंदर प्राइस बढ़ने के नहीं बढ़ने के पीछे का कारण क्या है। साथ ही साथ इंफोसिस की तरफ से कल लेट नाइट ही एक बहुत बड़ी अपडेट्स निकल कर आई है। क्या है कंप्लीट न्यूज़, आइए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंफोसिस टू ओपन डिजिटल डेवलपमेंट सेंटर इन कनाडा टू हायर 500 एम्प्लॉयज इन 3 ईयर्स। तो यहाँ पर इंफोसिस ने भी, जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही, यानी कि लगभग 1 से 2 दिन पहले ही हमें विप्रो की तरफ से भी ऐसी अपडेट्स आते हुए देखने को मिली थी, जिसमें विप्रो ने भी यूके के अंदर अपना नया डेवलपमेंट सेंटर इस्टेब्लिश किया था। और अब हमें इंफोसिस की तरफ से भी ये अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं इंफोसिस ने जो डिजिटल डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पर कनाडा के अंदर ओपन किया है, जिसमें 500 एम्प्लॉयज़ की यहाँ पर आपको आने वाले 3 सालों में यहाँ पर ज्वाइनिंग देखने को मिलने वाली है। देख सकते हैं आप क्या है कंप्लीट न्यूज। इंफोसिस लिमिटेड सेड इट विल इस्टेब्लिश अ न्यू डिजिटल डेवलपमेंट सेंटर एट इट्स लार्जेस्ट कैनेडियन ऑफिस इन मिसिसागुआ। दिस इज एम्ड एट क्रिएटिंग 500 हाई क्वालिटी जॉब्स इन द टोरंटो रीजन ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। द डिजिटल डेवलपमेंट सेंटर स्पैनिंग 50,000 स्क्वायर फीट, यानी कि ये जो कंपनी ने डिजिटल सेंटर इस्टेब्लिश किया है कनाडा के अंदर, इसकी जो एरिया व साइज भी रखी गई है वो बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि लगभग 50,000 स्क्वायर फीट में ये जो डिजिटल सेंटर है ये फैला हुआ है, जिसमें विल ट्रेन अप स्किल एंड री स्किल एम्प्लॉयज इन द टेक्नोलॉजीज नीडेड टू हेल्प कैनेडियन बिजनेस एक्सेलरेट देयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि इंफोसिस के रेवेन्यू के अंदर कंपनी को फॉरेन से भी रेवेन्यू काफ़ी शानदार जनरेट होता है, और इसी को देखते हुए कंपनी अपने फॉरेन बिजनेस को भी बहुत तेज़ी से एक्सपांड करने के लिए यहाँ पर नए सेंटर इस्टेब्लिश करते हुए हमें देखने को मिल रही है, जिसमें कंपनी ने रिसेंटली इंडिया में यहाँ पर अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए नए एक्विजिशंस भी करी ही है, नई डील्स भी कंपनी को मिली ही है, लेकिन साथ ही साथ फॉरेन में भी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए यहाँ पर कंपनी हमें लगातार नए सेंटर इस्टेब्लिश करते हुए देखने को मिल रही है। इट विल ऑल्सो इनेबल इंफोसिस टू बेटर कोलेबरेट विथ क्लाइंट्स टू डेवलप क्रॉस फंक्शनल सॉल्यूशन टू प्रेसिंग बिजनेस चैलेंजेस। अर्लियर दिस ईयर इंफोसिस कमिटेड टू एड 500 जॉब्स इन कैलगरी सिटी इन कैनेडा ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, डबलिंग इट्स कैनेडियन वर्कफोर्स टू 4,000 एम्प्लॉयज़ बाई 2023 तक। यानी कि कंपनी जो कैनेडियन के अंदर अपने बिजनेस है उसमें लगभग 4,000 एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर ऐड कर सकती है। द न्यू डिजिटल डेवलपमेंट सेंटर विल प्ले अ की रोल इन दिस एक्सपेंशन एंड लीड द बिल्डिंग ऑफ डिजिटल कैपेबिलिटीज़ एंड ट्रेनिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ IT टैलेंट टू सपोर्ट कैनेडियन बिजनेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार न्यूज़ हमें इंफोसिस की तरफ से ये आते हुए देखने को मिल रही है।
और इस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है वो आपको क्वार्टर टू के रिजल्ट में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार का रेवेन्यू आपको क्वार्टर वन में देखने को मिला, इससे भी कहीं गुना बेटर, यानी कि इससे भी कहीं गुना ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू आपको कंपनी की तरफ से क्वार्टर टू के अंदर मिलने की उम्मीदें हैं। क्योंकि रिसेंटली कंपनी को काफ़ी शानदार डील्स भी मिली है, कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए कोलैबोरेट भी करते हुए देखने को मिल रही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन्फोसिस पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने 100 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर क्रॉस कर दिया है। इसके पहले इसे अब शानदार काम TCS IT सेक्टर में कर चुकी है, तो यहाँ पर TCS को बिल्कुल यहाँ पर टक्कर दे रही है कंपनी। और साथ ही साथ आपको बहुत ही शानदार मूवमेंट इन्फोसिस के अंदर अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगर आपने इन्फोसिस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अभी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फिर भी आपको जो इसका स्ट्रांग रेजिस्टेंस है 1750 रुपये का, जो इसका मेन टारगेट प्राइस है, वही आप लेकर चलिए। क्योंकि यहाँ से अभी आपको बड़े मूवमेंट देखने को मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि कम ही मिल पाएंगे। सबसे पहला रेजिस्टेंस है 1748 रुपये का, दूसरा रेजिस्टेंस है 1762 रुपये का, और तीसरा रेजिस्टेंस है 1777 रुपये का। साथ ही साथ पहले सपोर्ट की बात करें तो 1720 रुपये का, दूसरा सपोर्ट 1704 रुपये का, और तीसरा सपोर्ट 1691 रुपये का निकल कर आ रहा है। आईटी सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी के अंदर जो यहाँ पर अभी आपको करंटली बायबैक देखने को मिल रहा है, कंपनी ने काफ़ी बार यानी कि लगभग 13 बार अपने शेयर होल्डर्स को यहाँ पर डिविडेंड भी दिया है। साथ ही साथ बोनस किंग भी इस कंपनी को माना जाता है, क्योंकि इस कंपनी ने बोनस भी अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी शानदार दिए हैं, जिस कारण से इसे बोनस किंग भी कहा जाता है। और आईटी सेक्टर में अगर अभी आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कि एक सेफेस्ट प्लेटफॉर्म हो, जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट फुली सिक्योर रहे और आप लॉन्ग टर्म पर्पज से पोजिशन बना रख सकते हैं, तो आप डेफिनेटली इन्फोसिस को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इन्फोसिस के अंदर जो वॉल्यूम बेस्ड काम है वो तो हमें काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसके डिलीवरेबल बेस्ड काम की तरफ नज़र मारेंगे तो जब से कंपनी का बायबैक स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आपको इस शेयर्स के अंदर जो डिलीवरेबल बेस्ड काम है वो लगभग 70% तक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके अंदर बायबैक भी देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो भी इस शेयर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रेश बाइंग करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। इन्फोसिस के अंदर RSI लेवल और MFI लेवल दोनों ही ओवरसोल्ड जोन में, अभी ओवरबोट जोन में अभी हमें देखने को मिल रहा है, जिस कारण से इसके अंदर सेलिंग प्रेशर भी हमें थोड़ा बहुत बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो यदि आपने लॉन्ग टर्म पर्पज से इन्फोसिस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तब तो आप किसी भी प्रकार का यहाँ पर पैनिक मत लीजिए, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म पर्पज से इन्वेस्टमेंट किया है तो आप डेफिनेटली इस लेवल पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अब स्टॉक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करा रखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और सबसे मेन बात यह है कि अगर आप नीचे दी हुई लिंक से अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर जो मेल ID हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में दी गई है उस पर मेल करना है, तो आपको 200 रुपीज का कैशबैक, इंस्टेंट कैशबैक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। सिर्फ आपको नीचे दी हुई लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है और आपको अबाउट सेक्शन में जो मेल आईडी दी हुई है उस पर हमें DM करना है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको सारी अपडेट पसंद आई होगी। इन्फोसिस से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।